अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम में डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। वुमेंस डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। वुमेंस डे इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए वुमेंस डे प्रोग्राम मुनाकिद हुआ सुबह 9:30 बजे पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर। इस प्रोग्राम की ज़ेर सदारत के टी रमाराव ऑनरेबल मिनिस्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज के टी रमाराव की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम को अमल में लाया गया, जिसको मुनाकिद करने वाले एमएलए दनम नागेंद्र साहब हैं। इस प्रोग्राम में तमाम आला अहदेदारों ने शिरकत किया, जिसमें होम मिनिस्टर महमद महमूद अली साहब, श्री तलसनी श्रीनिवास यादव, केटीआर रमाराव। ये प्रोग्राम का मकसद तमाम ख्वातीन को एजाज बख्शना था। हर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वातीन के ओहदे को सलामी पेश करते हुए इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया। डॉक्टर्स, पुलिस, जीएचएमसी, हेल्थ वर्कर, एजुकेशनिस्ट, लेक्चरर्स, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, एनजीओस और अदर आला ओहदे पर फायज होने वाले तमाम ख्वातीन के लिए ये प्रोग्राम को अमल में लाया गया। आए देखते हैं तफसीली। एडिटर चीफ सैयद गौस मोहिउद्दीन की बियाबानी न्यूज़ से। वुमेंस डे सेलिब्रेशन फॉर द ऑनर ऑफ ऑल द वुमेन स्टाफ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। This program organized at People's Plaza, Nicholas Road. Women's Day program organized today 9:30 a.m. at People's Plaza, Nicholas Road. On the occasion of International Women's Day celebration under the direction of Honorable Minister of Municipal Administration Industries, C. K. T. Ramarao, the Government of Telangana is recognizing women achievers in different categories including doctors, police, GHMC, health workers, educationists, lecturers, promising students, NGOs and other eminent women. The program is being organized by Sri Dhanam Nagender, former minister and MLA, at the People's Plaza from 9:30 onwards on 6th March. Minister for Municipal Administration Sri K.T. Ramarao as a chief guest, Home Minister Sri Mahmood Ali, Sri Talasani Srinivas Yadav, ministers and other dignitaries were attended this program. Bureau report from चीज है गौस मोहिउद्दीन बियाबानी। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकअल्लाह। गेट मैरिज मैरिज सर्टिफिकेट, बाय प्रॉपर्टीज, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, मैडम ही एंड व्हेन सोसाइटी इज अ प्रॉब्लम यू कम टू अ लॉयर एंड आफ्टर यू डाई द एक्सपायरी गेट इज गिवन बाय द ऑलमाइटी, देन यू नीड अ डेथ सर्टिफिकेट एंड देन सक्सेशन गोज ऑन। सो प्लीज जॉइन द प्रोफेशन ऑफ लॉयर व्हिच केटर्स टू 33 डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट। मैडम 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 सर 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 मैडम सर सर एम एल ए गार मैडम सर 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 मेयर जी ओके మేడం ఏం వైట్ వస్తుంది మొత్తం వైట్ వస్తుంది కెమెరా ప్లీజ్ టేక్ బ్యాక్ వైట్ వస్తుంది మొత్తం తీస్తాలే తీస్తా మేడం ఓకే మేడం భయ్యా ఓకే అన్న జర ఫోన్ తీ ఉన్నా ఉన్నా గ్రూప్ ఫోటో ఇట్రండి మేడం కొంచెం అన్న కొంచెం ఎరిగి దొరకండి అన్న కొంచెం ఎరిగి దొరికింటే కొంచెం కొద్ది వెనక సార్ ఇదర్ దగ్గర ఫస్ట్ సార్ రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ సార్ రైట్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ
केसीआर किट है, अगर किसी को लड़का पैदा होता है उसको 12,000 देते हैं, लड़की पैदा होता है 13,000। तो लड़का और खास बात पहले से पहले जितने बच्चे होना रोकने का तरीका दिख रहा है। आज हमारे तमाम बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारे स्टेट में हमारी बहनों का और हमारी बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो बहुत हमारे सीएम साहब उस पर तवज्जो दे रहे हैं। अच्छे मैं आवाम से अपील करता हूँ, चालान में तो पहले से डिमांड था, ये सवाल असेंबली में आया था कि चालान के लिए कुछ कंसेशन किया जाए। 50% मंगाया गया था पर हमने 75% किया। हम लोगों से कहते हैं तो जो भी आपका चालान है वो क्लियर करवा लीजिए। मैं ज्ञान में दिख रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम आप कोई कानून के खिलाफ वर्जी नहीं, आप हेलमेट जरूर इस्तेमाल कीजिए, वो आपको फायदा होगा। और आप जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो कीजिए, सिग्नल जब आता है तो रुकिए। लोग खामखा कहते हैं कि फोटो जब लेते हैं कानून की खिलाफ वर्जी करते, तो मेरे भाई आई दुनिया में कुछ कंट्रोल तरीके होते हैं जो चालान का गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है, पर आदमी को डर के लिए क्या सवाल हमारे सीएम साहब ने उन्होंने बहुत बड़ी नरमी दी है। आइंदा भी हम हमेशा आपके साथ भाईचारगी से प्यार से मोहब्बत से पुलिस जो है इंडिया में नंबर वन तेलंगाना पुलिस है, इसी तरह फ्रेंडली काम करते रहेंगे। हमारे सीएम साहब वैसे नेशनल पार्टी बनाने के काबिल है, क्योंकि इंडिया में सेकुलरिज्म चाहिए। जहाँ सेकुलरिज्म खत्म होता है लैंड ऑर्डर खराब होता है, मुल्क तबाह होता है। आज हिंदुस्तान में वो लैंड ऑर्डर नहीं है जो होना चाहिए, जो तेलंगाना स्टेट में लैंड ऑर्डर वो सारे हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और गंगा जमुना तहजीब कि अगर बढ़ाना चाहते हैं वह लीडर है तो वो किस सियासत है, हम तो उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसे लीडर रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान तरक्की करेगा, अमन से रहेगा। यहाँ जात पात क्या होती है, सभी लोग एक ही है, ये तो हर खुदा को मानने वाले अलग अलग होते हैं, पर इंसान तो सभी है, सबको अपन तो लाल होता है, किसी में इसमें फर्क नहीं है। हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं और हमारे लिए ना हिंदुस्तान के एक महान लीडर बने, ये हमारी आर्जू है। और वैसे भी जो उनकी सोच है, सोच जो हमारे सीएम साहब की बड़ी महान सोच है, यकीनन बहुत बड़े इंसान है। हम तो कहते हैं कि खुदा का तोहफा है, कि कई बार मैं कह चुका हूँ गॉड गिफ्ट है केसीआर साहब, तेलंगाना अमन से लाए, आज तेलंगाना तरक्की आता है। सारे लो हीरोज आज जो है महिला बंधु के ये जो इंटरनेशनल महिला डे के शुभ अवसर पर आज हज़ारों के तादाद में लोग जो आए हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब को जो राखी बनने का हो, मुख्यमंत्री से सेल्फी लेना हो, और जो 3 दिन के अंदर ये जो जे ये उत्सव ये सेलिब्रेशन मनाने के लिए हमारे केटीआर साहब जो है वर्किंग प्रेसिडेंट एक जो आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार आज हज़ारों के तादाद में लेडीज़ आकर जो है मुख्यमंत्री साहब के और फोटो के साथ में सेल्फी लेना, उनको राखी बनना, एक जो है आज एक ईद का माहौल है। जिस तरह हम रमज़ान मनाते, जिस तरह राखी का हम त्यौहार मनाते, जिस तरह दसरा बनाते, उस तरह जो है आज 3 दिन का ये उत्सव बनाने का केटीआर साहब ने जैसा हमको मौका दिया, आज हज़ारों के तादाद में लोग आकर जो है आज ये प्रोग्राम को जो सक्सेस किया, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्र गुजार हूँ। और चीफ मिनिस्टर साहब और बहुत सारे स्कीम्स लाकर जो है हर महिला को जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रहने के लिए अब आने वाले दिनों के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देने वाले हैं, उस सबको जो है हम उसमें भागीदारी बनाकर उन सबको हम फायदा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे अभी तो कल ही फाइनेंस मिनिस्टर बोला और जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने का, वैसा प्रोग्राम्स बहुत होने वाले हैं। सबको जो है आज जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जीने के लिए जो प्रोग्राम आज ही बनाया वो पूरों को जो है पब्लिक आवाम को और गरीब आवाम को पहुंचाने में हम पूरा कसर लगाएं।